जय हिंद। जैसे ही अग्निपथ योजना लागू हुई है पूरे देश में खलबली मच गई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना यानी टूर ऑफ ड्यूटी जिसके अंतर्गत आ रहा है, उसके अंदर 4 साल की सेवा रखी गई है। देश में भारतीय सेना में जाने का सबको मौका 4 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद उसमें से 25% को रेगुलर कर लिया जाएगा और 75% को वापस रिटर्न टू होम कर दिया जाएगा 4 साल बाद। और जब से ये न्यूज मिली है सभी को, तब से पूरे देश में आग लग रखी है, जगह जगह आप इसके आंदोलन और इसका बहिष्कार के लिए नेतृत्व देख रहे हो। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर एसएससी जीडी में भी क्या टूर ऑफ ड्यूटी के तहत या भर्तियां होगी, सीएपीएफ की जितने भी वैकेंसियां होगी क्या इनमें भी टूर ऑफ ड्यूटी के क्या महत्व है, क्या इनके द्वारा ही इसमें भर्ती होगी और क्या सीएपीएफ भी अब 4 साल के लिए ही गठित होगी। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूं। साथ ही जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सीजीएल 2 की, उन सभी के लिए ओलिव बोर्ड की तरफ से एक शानदार टेस्ट रखा गया भाई 17 से 20 जून तक, और बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है कोर्स में। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके ये टेस्ट मार सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ऑल इंडिया वीकली टेस्ट है, आपको जरूर मारना चाहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वहां पर जाके। अब पहले तो मैं बता दूं कि एसएससी जीडी में ये टूर ऑफ ड्यूटी नहीं लागू हुआ, ये केवल डिफेंस में हुआ, यानी केवल आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, ठीक है। अब इसमें सीएपीएफ में क्या इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं। अब इसके तहत इससे पहले जब भी जो भी वैकेंसी हुई है मैं हमेशा आपको बताता हूं, जैसे एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली रहती है, एक्स सर्विसमैन को 10% सीटें रिजर्व की जाती है एसएससी जीडी यानी सीएपीएफ के हर एक वैकेंसी में। अब इसी वैकेंसी अगर मान के चलिए कि 60,000 पदों की इस बार वैकेंसी आती है, तो उसमें से 6,000 पद जो कि रिजर्व रहते हैं एक्स सर्विसमैन के, उसी प्रकार अब 10% सीएपीएफ में भी अग्निवीरों के रिजर्व रहेंगे, यानी जो 4 साल भारतीय सेना में रहकर आएंगे उनको फिर सीएपीएफ में अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा 10% सीटों पर, ठीक है। जिस प्रकार से ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी होती है उसी प्रकार एक अगली कैटेगरी होगी टीओडी वाली, अग्निवीरों वाली, ठीक है। तो उनको इसकी सीटों में 10% एक्स सर्विसमैन का जैसे कोटा होता है वैसे 10% का कोटा दिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया। साथ ही असम राइफल यानी जो पैरामिलिट्री वास्तविक पैरामिलिट्री है भारतीय सेना की, उसको भी 10% आरक्षण किया जाएगा उनकी सीटों में। तो इनको फिर आसानी रहेगी वापस भारतीय सेना से आकर इन फोर्सेस में जाने के, क्योंकि इनका एक फिक्स आरक्षण होगा। और मैं आपको बता दूं एक्स सर्विसमैन की जो सीटें खाली रहती है 10%, उसमें से लगभग 99% सीटें खाली रहती है हर वैकेंसी में, वो कभी फुल नहीं हुई। तो इसका फायदा जो टीओडी के द्वारा भारतीय सेना में रह के आएंगे उनको जरूर मिलेगा लाडली, ठीक है। तो एसएससी जीडी की आप ये ना सोचे एसएससी जीडी में भी ऐसा होगा, एसएससी जीडी की जो भी बचा, हाँ लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, अब आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। इसके प्रभाव के कारण अब एसएससी जीडी का कंपटीशन बहुत बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि एक स्थायी सेवा बन गई है, स्थायी नौकरी बन गई है। तो आर्मी वाले जितने भी बच्चे थे जो अब तक आर्मी का दृढ़ लगाए रखते थे, अब वो एसएससी जीडी में भी 100% तैयारी करेंगे और एसएससी जीडी 2023 का जो पेपर है वो बहुत ही टफ होने जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके लिए कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है, तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसको अभी से तैयारी करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन एसएससी जीडी का बहुत ही तगड़ा हो जाएगा भाई। ये आपको खुद को पता है, एक तो 4 साल की नौकरी, एक 60 साल की, तो कौन सी चूज करेगा वो आपको भी पता है। जय हिंद, जय भारत।